मतलब पूरा नुकसान हो गया था, पूरा टूट गया था मकान। अब भी वो आप क्रेक जो नया बनाया है वो है आपके लिए रहने के काबिल वगैरह? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पूरा क्रेक है। मतलब थोड़े बहुत उसी की हमने कुछ मिट्टी के साथ कुछ मरम्मत की, मिट्टी स्टे लगा के, और क्या कर सकते। तो उतना मतलब पैसा भी नहीं था, क्या करते फिर आगे आगे से। फिर सर्दियों का मौसम आने वाला है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी बारिश होती है तो हम लोग फिर जाके कहीं मैदान में टेंट लगा के वहाँ बैठते हैं, यहाँ रहने की कोई जगह नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारा कुछ किया जाए। ये दीदो कौश कौश यत मज नजन यत क्रेसपरी मज गय यस तल हेले अंदर पर बनु जंदस तार आज को नुकसान आ दे सर कौश मकान पाथर पियो कौश खड़ा रूद मगर नुकसान गोस फ्लड वाले क्या बोल फ्लड वाले आए थे मौजूद थे ये पर नजरा पत्र तुम ये लगाओ ये पर क्रेड दिमोस बाढ़ दिमोस आए तुम दो आए आगे दोन दोन आए पाथर आए नहीं छुई पाथर ना ले रहे थे ना जी वेरी गो ना वेरी गो आखिरी मत करना यूं कहीं टोटल नहीं की टोटल आओ ही नहीं योर का इसको नजर योर चुन खुदा इस बगैर तो चुन मैं शुभाद खुदा थी ऐसे बचती हूँ सुत्ते में स्टेशन में याद तो मैं ये एरिया सुमुद्र है गिरिजा पथरी को देखकर हुकूमती बाजाबादकारी के दावों की कलई खुल जाती है। कहते हैं इंसाफ में ताखीर इंसाफ का इनकार है, और यहाँ के गरीब और सादा आवाम अभी तक इंसाफ से महरूम रखे गए हैं। हम मौजूदा मखलूत हुकूमत और तमाम इंसानी हकूक का तहफ्फुज़ करने वाली तंजीमों से गुजारिश करते हैं कि वो मजीद ताखीर न करते हुए मसले की हसासियत को समझें। ज़िला शोपियान कश्मीर से मैं मुशीरुल हक मनहास, कश्मीर अनहर्ड के लिए।